जिंदगी का तहफ्फुज़ जब तक रियासत नहीं दिलवा सकता तब तक वो अपने आप को रियासत नहीं खिला सकता है। ये रियासत का फर्ज है, सबसे पहले फर्ज है। पूरा रियासत से मुतालबा करते हैं कि आपने कहा था कि हम नेशनल एक्शन प्लान का अमल दरामद करेंगे और दहशतगर्दी का कमर तोड़वाएंगे। आपने वादा किया था कि हम पाकिस्तान का पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। हमने वादा किया था अपना APS के बच्चों से कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। और अगर आज तक ना सिर्फ दहशतगर्द हमला कर सकते हैं मगर इंतहा पसंदी की बात भी कर सकते हैं, तो फिर हमारा नेशनल एक्शन प्लान भी नाकाम है। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द है उनका कमर अभी तक नहीं टूटा है। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहती हूँ कि ये लाशें रख के आपके मुंतजर हैं। आप अपने क्या ये इनकी जो तकालीफ हैं, इनकी जो लाशें हैं, उससे क्या आपकी ईगो बढ़ी है? और फिर आप ये कहते हैं कि इस पर सियासत नहीं की जाए। हम बिल्कुल इस पर सियासत नहीं करते, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी नाकामी और आपकी बेहिसी को आप सियासत कहकर टाल देंगे तो ये हम होने नहीं देंगे। आपको यहाँ आना पड़ेगा, इनके सरों पर हाथ रखना पड़ेगा। मैं आपके हौसले और सब्र को सलाम करती हूँ कि 2,500 शहदा की कुर्बानी के बावजूद आपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और अगर ये हुक्मरान यहाँ पर नहीं आता तो वो सुन ले, फिर ये कौम उसको अब इस्लामाबाद में इस कुर्सी पर बैठने की इजाज़त नहीं देगी।